अस्सलाम वालेकुम एडवेंचरर्स फ्रेंड्स, पाकिस्तान ने आज अपने फतह 2 गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम को कामयाबी से टेस्ट फायर किए हैं। इस सिस्टम की रेंज, अफादियत और गुज़श्ता वेरिएंट के अलावा पाकिस्तान के ज़ेरे इस्तेमाल दीगर गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स पर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान ने आज फतह 2 गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजर्बा किया है। फतह 2 दरअसल फतह सीरीज के मल्टी लॉन्च गाइडेड रॉकेट्स के सिलसिले का दूसरा वर्जन है, जिसका इब्तदाई वर्जन 2021 में पहली मरतबा टेस्ट किया गया था। फतह 2 के बारे में कहा गया है कि इसकी रेंज 400 किलोमीटर है, जबकि टेस्ट से मुतालिक जारी करदा फुटेज में इसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। फतह 1 और 2 दरअसल एक ही लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किए जाने वाले दो मुख्तलिफ गाइडेड रॉकेट्स हैं, जबकि ये सिस्टम एडवांस इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम से इक्विप्ड है। ये सिस्टम टारगेटिंग और मिसाइल गाइडेंस के मैकेनिज्म से ऑप्टिमाइज्ड है, जिसकी बदौलत मुतलका रॉकेट और लॉन्च व्हीकल में सीमलेस कोऑर्डिनेशन यकीनी बनाने में मदद मिलती है। फतह 2 सिस्टम में सोफिस्टिकेटेड नेविगेशन सिस्टम और यूनिक फ्लाइट ट्रैजेक्टरी का दावा किया गया है। फ्रेंड्स, इस किस्म के सिस्टम से पाकिस्तान दुश्मन की मिलिट्री बेसेस, हैवीली आर्मर्ड ट्रूप्स, मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स और लार्ज एयरपोर्ट्स के अलावा दुश्मन की एयर डिफेंस बैटरीज को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से निशाना बना सकता है। जहां गुज़श्ता वेरिएंट की रेंज 140 किलोमीटर थी, वहीं इस 400 किलोमीटर रेंज रखने वाले फतह 2 की बदौलत पाकिस्तान आर्मी की रॉकेट फोर्स को ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी हासिल होगी। अब हम पाकिस्तान की इस किस्म के सिस्टम्स की डेवलपमेंट के पस मंजर और पाकिस्तान के रॉकेट फोर्स के जेर इस्तेमाल दीगर गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स पर मुख्तसर बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, पाकिस्तान को दरपेश रिवायती खतरात भी वक्त के साथ साथ बदलते जा रहे हैं। यही वजह है कि दुश्मन की मुख्तलिफ रिवायती जंगी डॉक्ट्राइंस के पेश नज़र पाकिस्तान ने भी अपनी हिकमत अमली को ओवर द ईयर्स इवॉल्व किया है। इंडिया की फौज की तरफ से कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन का तो आपने सुन रखा होगा, जिसके तहत भारत ने ये मंसूबा बनाया कि वो क्विकली अपनी आर्म फोर्सेज, खास तौर पर आर्मी को तेजी से पाकिस्तान पर महदूद पैमाने पर हमला करने और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ अहम ठिकानों को निशाना बनाकर वापस भी पलट आएगा। भारत के मुताबिक क्योंकि ये हमला इतना क्विक और गैर मुतवक्के होगा कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जवाब के लिए तैयार होने और बॉर्डर तक पहुंचने से पहले ही उसकी फौज वापसी का रास्ता नाप चुकी होगी। पाकिस्तान ने इस खतरे को भांपते हुए एयरफोर्स के लिए स्टैंड ऑफ एयर लॉन्च वेपन्स मुतारिफ करवाए, ताकि दुश्मन की सरहद की जानेब बढ़ते हमलावर दस्तों को पाक फिजाइया अपनी हदूद के अंदर रहकर किसी हद तक रोक सके। लेकिन बड़े पैमाने पर हमलावर दस्तों को रोकने के लिए ये फिर भी नाकाफी है, लिहाजा बड़ी फौज ने इस तरह के रिवायती हमलों को रोकने के लिए मुख्तलिफ शॉर्ट रेंज टेक्टिकल बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल मुतारिफ कराए, जैसा कि नसर, बाबर, गजनवी और अब्दाली वगैरह। इनकी मदद से दुश्मन के हमलावर कॉलम्स को चंद मिनट में तहस नहस किया जा सकता है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि फिजाइया और बड़ी फौज के क्रूज मिसाइल रिवायती वारहेड के साथ साथ जोरी वारहेड से भी इक्विप किए जा सकते हैं। इसी तरह से नसर, अब्दाली और गजनवी जैसे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल रिवायती के अलावा जोरी वारहेड से लैस हैं। फ्रेंड्स, इंडिया के रिवायती कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन को लेकर पाकिस्तान ने पहले बयान किए गए जोरी वारहेड से लैस वेपन्स के अलावा वक्त के साथ साथ रिवायती हथियार इस तरह के रिवायती खतरात के लिए तोड़ के तौर पर मुतारिफ कराए। पाकिस्तान आर्मी की रॉकेट फोर्स भी इस सिलसिले की एक कड़ी है। पाकिस्तान ने रॉकेट फोर्स में इब्तदाई तौर पर A-100 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम मुतारिफ कराए। इसके बाद साल 2021 के शुरू में फतह 1 नामी गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम मुतारिफ कराया गया, जबकि अब इसका फतह 2 के नाम से दूसरा वर्जन भी बाकायदा मुतारिफ करवा दिया गया है। पाकिस्तान ने 2008 में चीन से A-100 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम पाक आर्मी में इंडक किया। इस सिस्टम में 300 मिलीमीटर के सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट को 40 से लेकर 100 किलोमीटर के फासले तक फायर किया जा सकता है। इसका वारहेड 235 किलोग्राम वजनी है। इसमें मौजूद रिवायती वारहेड को दुश्मन पर सैचुरेशन अटैक में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सिस्टम सिर्फ 10 मिनट में 10 रॉकेट्स को फायर कर सकता है, जबकि रीलोडिंग के लिए भी इसे सिर्फ 20 मिनट का वक्त लगता है। पाकिस्तान ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से इस सिस्टम को मकामी सतह पर तैयार कर रहा है, लिहाजा इसको बड़ी तादाद में
पहले ही गालिबन रॉकेट फोर्स में शामिल किया जा चुका होगा। इस मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम को दुश्मन के मूविंग आर्मर फॉर्मेशंस और पैदल दस्तों की पेशकदमी रोकने के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स का दूसरा अहम वेपन जो खास तौर पर रिवायती खतरात का जवाब रिवायती अंदाज में देने के लिए तैयार किया गया है, वो है फतह 1 और फतह 2 गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम। ये सिस्टम ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर से पावर्ड है और ये एक हाई स्पीड गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। इस सिस्टम की एक व्हीकल पर 8 रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं, लिहाजा ये एक ही वक्त में 8 गाइडेड रॉकेट्स दुश्मन के फोर्टिफाइड ठिकानों, एयर डिफेंस बैटरीज और दीगर अहम तनसीबात को 140 से लेकर 400 किलोमीटर की रेंज पर निशाना बनाने के लिए फायर किया जा सकता है। पाकिस्तान ने इसी लॉन्च व्हीकल के साथ फतह 1 और फतह 2 गाइडेड रॉकेट को तुर्की में इस साल होने वाली आईडेफ दिफाई नुमाइश में भी अगस्त 2023 में शोकेस किया था। फ्रेंड्स, अगर फतह सिस्टम चाइनीज साख्ता A300 प्रसिशन गाइडेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम के हमपल्ला हुआ तो इस केस में इसके रॉकेट की फ्लाइट स्पीड मार्क 4.5 तवक्को की जा सकती है, क्योंकि A300 सिस्टम भी ड्यून पल्स मोटर सेकंड स्टेज में फ्लाइट मैनूवरिंग जैसी सलाहियत के साथ साथ सैटेलाइट गाइडेंस से लैस है। चीन के इस सिस्टम के बारे में इतलात है कि ये 290 किलोमीटर की रेंज के साथ 20x20 किलोमीटर के एरिया को अपने 8 रॉकेट्स को एक ही वक्त में फायर करके तबाह कर सकता है। ख्याल रहे कि फतह सीरीज के गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम 8x8 किलोमीटर के अदाव को अपने रॉकेट के साथ निशाना बना सकते हैं। अलबत्ता फतह 2 के बारे में निशाना बनाए जाने वाले एरिया के बारे में अभी तक कोई इंफॉर्मेशन जारी नहीं की गई। फतेह गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम अपनी नौयत का पहला सिस्टम है जो पाकिस्तान आर्मी की सर्विस में इसको रिवायती डोमेन में प्रसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी देगा। ये अपनी नौयत का पहला सिस्टम इसलिए भी है क्योंकि ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और दीगर लार्ज कैलिबर मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के दरमियान की सलाहियत पाक आर्मी को प्रोवाइड करता है। ये ऑपरेशनल फ्लेक्सीबिलिटी पाकिस्तान आर्मी को दुश्मन के किसी भी मिसएडवेंचर का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत देगी। प्रिसीशन स्ट्राइक और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी के अलावा तीसरी बड़ी अफादियत इस सिस्टम की कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, क्योंकि इससे पहले पाक आर्मी ज्यादातर निस्बतन शॉर्ट रेंज और अनगाइडेड रॉकेट्स के अलावा क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स पर रिलाई कर रही थी, वो भी अगर खास तौर पर स्मॉल टारगेट्स को हिट करने के लिहाज से देखा जाए। ताहम फतह 1 और अब फतह 2 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम एक इकोनॉमिकल और इफेक्टिव सिस्टम्स है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब आप दुश्मन के एक पर्टिकुलर टारगेट को रॉकेट से निशाना बना सकते हैं तो इसके लिए कॉस्टली मिसाइल इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये तो बिल्कुल वाजह है कि क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स चाहे आप रिवायती वारहेड के साथ भी इस्तेमाल कर रहे हों वो रॉकेट से काफी एक्सपेंसिव और निस्बतन कम मुफीद हैं, खास तौर पर स्मॉल टारगेट्स को लेकर। मेरे ख्याल से यही वो वजह है जिसको लेकर पाक आर्मी की रॉकेट फोर्स को जदीद लॉन्ग रेंज और गाइडेड रॉकेट लॉन्च सिस्टम से इक्विप किया जा रहा है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान जहां इन सिस्टम्स को मकामी सतह पर तैयार करके अपनी जरूरियात पूरी कर सकता है, वहीं इन सिस्टम्स को एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। अगर इंडियन आर्मी के पास इस वक्त मौजूद मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स की बात करें तो इंडिया के पास रशियन साख्ता मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम मौजूद है। ये पाकिस्तान के पास A100 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स की तरह ही है, लेकिन इसकी रेंज पाकिस्तान के सिस्टम की निस्बत कम बताई जाती है। इसी तरह से इंडियन आर्मी में मुल्की सतह पर तैयार किया जाने वाला पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम मौजूद है, लेकिन इसकी मौजूदा रेंज 75 किलोमीटर है, जबकि इसके एडवांस वर्जन पर काम हो रहा है, लेकिन उसकी रेंज भी तकरीबन 100 किलोमीटर बताई जाती है। इंडिया अब इस सिस्टम को आर्मेनिया को भी एक्सपोर्ट कर चुका है, लिहाजा पाकिस्तान भी फ्यूचर में फतह 1 और फतह 2 को दो सोमालिक को एक्सपोर्ट कर सकता है। गालबन इसी अफादियत को पेश नजर रखते हुए पाकिस्तान की ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस ने गुज़श्ता कुछ अरसे में होने वाली मुख्तलिफ दिफाई नुमाइशों में इन सिस्टम्स को एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी ऑफर किया है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फतह 1, फतह 2 और दीगर गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स की अफादियत, इनकी रेंजेस और पोटेंशियल के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।